श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में हमें अध्यात्म के उस शिखर पर पहुंचाना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा कि जनक ने कहा था कि मुझे घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने ही समय के अंदर ब्रह्म ज्ञान चाहिए। आज की चर्चा का विषय भी वही है, जिसमें एक चरण में कहा गया है, तो अभी ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। एक पल में हम अपनी आत्मा को कैसे जागृत करें? तारतम लिए हुए हमारी उम्र गुजर जाती है और हमारे जीव ने न जाने पूर्व जन्मों में कितने जन्म लगाया होगा उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार करने में, लेकिन हमारे जीव को कोई अष्टावक्र नहीं मिला जो जनक की स्थिति में पहुंचा था। लेकिन अष्टावक्र जी का ज्ञान भी तो कैवल्य का था, निराकार तक का था, और यदि हमें परम धाम का ज्ञान मिल गया है और फिर हम संसार के अन्य पंथों की देखा देखी कर्मकांड की राह पकड़ते रहे और कहें कि तारतम्य लिए हुए इतने समय हो गया, हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो वाणी कह रही है कि एक पलक में जगे, एक पल में भी हमारी आत्मा जागृत हो सकती है। कैसे? आज का मूल विषय वही केंद्रित है। सारा कुछ ये दिल का खेल है। दिल किसको कहते हैं? दिल अर्थात हृदय। हृदय के चार घटक हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। हम कुछ भी कार्य करेंगे तो मन संकल्प विकल्प करेगा, चित्त में संस्कार होंगे, संस्कार के अनुसार ही हमारा मन संकल्प विकल्प करेगा। चित्त के संस्कार वैसे होंगे जैसी हमारी बुद्धि होगी, और अहंग हमारा जैसा होगा बुद्धि उसके अनुसार कार्य करेगी। जैसे शेर कभी भी घास खाने के विषय में संकल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसके चित्त में यह है नहीं, पूर्व जन्म का संस्कार है उसका। हो सकता है शेर का जीव कभी किसी योनि में बैल रहा हो, गाय रहा हो, कुछ भी रह सकता है। हमारे जीव में जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं कभी न कभी समय पाकर उभर जाते हैं, और इस जन्म में हमने चोरी नहीं भी किया है, पूर्व जन्म के संस्कार उभरेंगे तो हो सकता है हमारे मन में वो भाव आ सकता है, लेकिन चित्त के संस्कार बुद्धि पर निर्भर करेंगे। हमारा आहार जैसा होगा, हमारी संगति जैसी होगी, किसी भी तरह से हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति हो गई तो बुद्धि यदि तमोगुणी हो गई तो हमारे बुरे संस्कार तमोगुण के उभर जाएंगे जो जन्म जन्मांतरों से बनते हैं। मैं संसार के दृष्टांतों से समझाकर आपको परमधाम की तरफ ले चलने का प्रयास करूंगा। सबसे आग्रह है कि अपने मोबाइल बंद कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होगा तो मैं भी परेशान होऊंगा और दूसरों का भी। बुद्धि से भी परे है अहम। अहम का तात्पर्य क्या है? मैं हूं। मैं के अस्तित्व पर ही संसार टिका है। जिस दिन आपका मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन आप और राज्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इन मैं में डूब गया सब कोई, सारा संसार इसी में डूब गया। इन मैं को पार जो पाया कौन, जाको मुतलक मुतलक बख्शीसो। जिस पर राज्य की सबसे बड़ी कृपा होगी वह अपने अहम का चोला उतार कर फेंक देगा, और जिसने अहम का चोला उतार कर फेंक दिया उसको संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो राज्य से मिलन में बाधक बने। मैं अंतःकरण के बारे में बता रहा था। अंतःकरण क्या है? जिसको अंतःकरण साहित्य की भाषा में कहते हैं, अंतःकरण यानी आंतरिक रूप से जो कार्य करते हैं। हमने ये मिट्टी का चोला धारण कर रखा है, हमारे जीव ने, जी दृष्टा होकर के देख रहा है। अंतःकरण यानी कारण शरीर, कारण शरीर के अंदर बैठा हुआ है जीव, दृष्टा होकर के चैतन्य है हमारा। मन इंद्रियों का राजा है। आपको मिठाई खाने की इच्छा होती है? किसके अंदर? मरे हुए के अंदर इच्छा नहीं होती है। जब से सृष्टि बनी है हमारा अंतःकरण हमारे जीव के साथ जुड़ा हुआ है, लाखों जन्मों में भटकाता आ रहा है, अच्छे बुरे संस्कारों को ग्रहण करता जाता है, मन संकल्प विकल्प करता है,
बुद्धि विवेचना करती है कि नहीं ये ठीक है या नहीं। अहंकार जब प्रबल होता है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम कुछ भी कार्य मन के बिना नहीं कर सकते। यदि हमें मिठाई खाने की इच्छा हुई तो मन ने संकल्प किया, चित्त पुराने जागृत हुए, बुद्धि ने विवेचना की और मैं जब खड़ा हूं तभी मन में इच्छा होगी कि मैं मिठाई खाऊं। खा जी नहीं रहा है, शरीर नहीं खा रहा है, शरीर स्थूल शरीर को लाभ पहुंचता है। आपको जहर खिलाया जाता है तो शरीर खतरे में पड़ता है, आपको औषधि खिलाई जाती है तो रोग से ग्रसित शरीर स्वस्थ हो जाता है। जीव का इससे कोई लेना देना नहीं, जीव दृष्टा होकर के देख रहा है। आप कहते हैं कि जीव कर्मफल का भोगता है, हम तो आत्मा है, हम दृष्टा है। जीव जब अपने शुद्ध रूप में आ जाएगा तो वो भी दृष्टा ही रहेगा। जब तक चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, बुद्धि में भी विवेचना हो रही है, अहंकार अपना अहम लेकर खड़ा है, मैं हूं, इतनी साधना इतनी भक्ति क्यों की जाती है? अपने अहम को मिटाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सोभी पैदा माया मोह अहंकार। इस अहम से तो कोई परे हो ही नहीं सकता। हमारे और राज्य के बीच में यदि कोई पर्दा है तो केवल अहम का पर्दा है। शरीर का पर्दा, रूप का पर्दा, विद्या का पर्दा, धन का पर्दा, प्रतिष्ठा का पर्दा, यही तो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखा है। जिसने इन सबको हटा दिया उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। सबसे बड़ी माया क्या है? मैं हूं, मेरा अस्तित्व, मेरा निज स्वरूप का जो अस्तित्व है उसकी तरफ कोई नहीं देखता, जो बाहर दिख रहा है। हमारी 4 करोड़ की कोठी है, मन में क्या आएगा? मेरी कोठी। हमारा शरीर सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी विद्वता है, मेरा ये है, यही तो मैं और मेरे ने एक बहुत बड़ा बंधन खड़ा कर रखा है। लेकिन यदि यह पता चल जाए कि जो कुछ दृश्यमान जगत में है, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में है, वो तो सब माया का बंधन है, मैं कुछ और हूं, जो मैं दिख रहा हूं ये शरीर से जुड़ा हुआ मैं, ये मैं नहीं हूं। न मैं धनवान हूं, न मैं गरीब हूं, न मैं कुरूप हूं, न सुंदर हूं, न सुखी हूं, न दुखी हूं, न मेरा कोई अपमान है, न कोई सम्मान है। जब ये बातें आ जाए तो जीव दृष्टा होकर के देखने लगेगा कि मैं ये हूं। मैं तो इन सारे बंधनों से अलग था, लेकिन मैं लाखों जन्मों से मैं इन्हीं के बंधनों में बंधा हुआ रहा था। जिसके बंधन में बंधा हुआ है बेचारे वो दिख नहीं रही है। जैसे अब बाजार में, दिल्ली के बाजार में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई खाएंगे, उसमें क्या मिला होगा? बेसन मिला होगा, घी मिला होगा, शक्कर मिली होगी, या मैदा या मावा मिला होगा? सबको अलग अलग कर दीजिए, कोई स्वाद नहीं। सबको मिठा मिला दिया, आप कहीं जीवा रस ले रही है, उस रस का आनंद मिल रहा है मन को। मन को चाहिए 3 चीजें चाहिए उसको, प्रेम शांति और आनंद। कभी मिठाई में भागेगा, कभी किसी में भागेगा, थोड़े समय के लिए उसको संतोष होता है, फिर लगता है कि नहीं मेरी मंजिल ये नहीं है। लेकिन उसको प्रकाश दिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा राजा है, रथ पर जो बैठा हुआ है, वो कोने में बेचारा बैठा हुआ है, वो भी असहाय है, क्योंकि बिना अंतःकरण के वो भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी चेतना से मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे कार्य कर रहे हैं, उसी की शक्ति से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। जिधर ये जाएंगे उधर ही उसको जाना हो, क्योंकि वो दृष्टा है। और मन राजा है इंद्रियों का, अंतःकरण का राजा जीव, और मन जो अंतःकरण का एक भाग है वो इंद्रियों का राजा है। इंद्रियां शरीर में हमारे हैं, ये स्थूल शरीर के नाश होने पर सूक्ष्म इंद्रियां हमारे साथ बनी रहती है, इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी जीव के अंदर भी माया के सुखों की तृष्णा बनी रहती है। आप देखिए, आप कौन है? आप तो परमधाम की आत्मा है। आपकी आत्मा इस जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। वाणी कह रही है, जो सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत। इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है कि जैसा दिल हमारा देख रहा है वैसे हमारी आत्मा भी राज्य को देखने लगे। कैसे देखेगी? जब आप वाणी पढ़ते हैं
तो वाणी को कि ज्ञान को कौन पढ़ रहा है, जीव का दिल या आत्मा का दिल? देखिए, परम धाम में सभी एक रस हैं, अक्षर मने उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तो अक्षर का मन हमारे मन जैसा नहीं है, हमारा जो मन है ये प्रकृति से बना है, हमारी बुद्धि महत्त्व से बनी है, मन चित बुद्धि अहंकार सारे प्रकृति के पदार्थ हैं, महत्त्व से इनकी रचना हुई है। लेकिन परम धाम में अक्षर का मन और अक्षर की आत्मा, राज्य का मन और राज्य, श्यामा जी की आत्मा और श्यामा जी का मन या श्यामा जी का तन, सब एक रस है। एक राज्य के सिवा परम धाम में कोई नहीं है, न मन है, न चित है, न बुद्धि है। लेकिन यहाँ के भावों से जब तक हम नहीं कहेंगे, हमको संतोष नहीं होगा और हमको विश्वास नहीं होगा कि जो परम धाम का जो स्वरूप है उसमें मन क्यों नहीं है। आप जिनको पशु पक्षी कहते हैं, वो पशु पक्षी नहीं है, पशु पक्षी या विरक्त सो सब जात खुदा है। जितने रूह रूह के रूह जिनिस है सब पशु पक्षी जो भी है वो रूह के आत्मा के स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। पशु पक्षी या विरक्त रूह जिनिस है सो, जितने पशु पक्षियों को देखेंगे, धरती को आकाश को, सभी आत्मा के स्वरूप है, परब्रह्म को रिझा रहे हैं, और आत्मा के स्वरूप में कोई दूसरा नहीं है, राज्य ही आत्मा के स्वरूप में है। एक ही अक्षरातीत क्रीड़ा कर रहा है, ये कई बार की चर्चा में मैं कह चुका हूं। अब प्रश्न यह है, वाणी पढ़ लिया आपने, राज्य का श्रृंगार नख से सिख तक याद कर लिया, किसने आत्मसात किया? क्या आपकी परात्मा ने याद किया, आपकी आत्मा के दिल ने याद किया, या आपके जीव के दिल ने याद किया? वाणी कहती है, पर आत्म के अंतस्करण रूह जेति भीतत बात। पर आत्म के अंतकरण की बात हो गई। सागर में एक चौपाई आती है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे में कुछ अंतर आए। आत्मा के अंतकरण की बात भी हो जाती है, और जीव के अंतकरण की तो मैंने व्याख्या ही कर दी। जीव का अंतकरण वाणी को पढ़ता है, सुंदर साथ हजारों चौपाइयां धड़ाधड़ बोल सकते हैं। पूछा जाता है कि आपकी आत्मा जागृत हो गई, तो उत्तर मिलता है कि नहीं। पूछा जाता है कि राज्य को आपने क्या देखा है, प्रश्न यह है कि जिस राज्य के नक्शे सिख तक का श्रृंगार आप वर्णन कर रहे हैं, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आपने उनको देखा भी नहीं, फिर भी कहते हैं कि माया का ऊपर हमारे ऊपर आवरण है, हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई। किरंतन में एक चौपाई आती है कि किरंतन में कलश में इस तरह के भाव व्यक्त किया जाता है कि अद्वैत शब्द जो बोले ही तो सिर पड़े उतर, कलश में ये बात दर्शाई गई है। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? द्वैत के संसार में अद्वैत की व्याख्या वही करेगा जिसने अपने अहं का समापन कर दिया। हमारे जीव के दिल ने अपनी बुद्धि के द्वारा वाणी की चौपाइयों को ग्रहण कर लिया। सिंधी में एक विशेष बात कही गई है कि राज्य आपका इल्म, आपका ज्ञान हमारे दिल तक तो पहुंचा है, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचा। अब प्रश्न यह है कि आपकी आत्मा क्या है? परात्म में से तो कुछ भी नहीं आ सकता, परात्म तो नूरी तन है। मैंने कई बार सपने के दृष्टांत से समझाया है, आप जब दिल्ली में सो रहे हैं, मुंबई आप सपने में चले गए, आपको किसी ने उठा दिया है, तो आप दिल्ली में किसी से आप बात कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उसने आपको चांटा मार दिया, आप अचानक उठ जाते हैं या कोई उठा देता है, तो आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ गया था, मैं तो मुंबई चला गया था, उसने मुझे चांटा मारा। आप उठने के बाद भी उस चीज को याद करते रहते हैं। प्रश्न यह है, आपके जीव से, आपके शरीर से जीव निकल कर नहीं गया था, आपके मन ने आपका रूप धारण कर लिया। जैसे आप जागृत में यहां बोलते हैं,
जैसा आपका रूप रंग है वैसे ही बंबई में भी आपका एक रूप रंग खड़ा हो गया, और उस रूप रंग में ऐसा लगेगा कि आपके जीव जैसा ही जीव है, आपके दिल जैसा ही जीव है, आपकी बुद्धि विवेक जो संस्कार यहाँ रहेंगे वो भी बंबई में काम कर रहे हैं। ये तो माया के एक सपने का मैंने दृष्टांत दिया। उसी तरह से परात्म के दिल में राज्य ने इच्छा पैदा की कि मैं इन्हें अपने स्वरूप की पहचान कराऊं, उनके दिल में माया का खेल देखने की इच्छा की डाली, सबसे कहा कि मेरी तरफ देखो मैं तुमको माया का खेल दिखा रहा हूं। सखियों की नजर राज्य की तरफ है, उनकी नजर माया में आ जाती है, यानी उनका दिल माया में आ गया और उसने नख से सिख तक परात्म का रूप धारण कर लिया जिसको कहते हैं आत्मा। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुनान। अर्स्तन परात्म का तन, अर्स्तन दिल में ए दिल, ये जो हमारी आत्मा का दिल है इस दिल में और परात्म के दिल में कोई अंतर नहीं है। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुनान, वाणी में इस बात को कहा जा रहा है कि जो हमारा दिल है, आत्मा का दिल और आत्मा, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं है। वही बात आगे कह रहे हैं कि फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिलमिल। हमारी आत्मा के दिल में और हमारी आत्मा में कोई भेद नहीं है, परमधाम में किसी तरह का भेद नहीं होता। इस मायावी संसार में आप शरीर की मर्यादा से बंधे हुए हैं। छोटा बच्चा आता है, वो प्रणाम करता है तो उसके सिर पर हाथ रखा जाता है, उसके पैर पर हाथ नहीं रखा जाता है क्योंकि उसको आशीर्वाद देना है, और जो कोई बड़ा होता है तो उसके चरणों में हाथ लगाया जाता है, उसके सिर पर हाथ नहीं रखा जाता। परम धाम में ऐसा नहीं है, परम धाम में सभी अंग अंग की शोभा बराबर है, सभी अंगों का बराबर का महत्व है। हम माया की ऐसी दुनिया में बैठे हैं जिसमें एक एक चीज में भेद है, परम धाम में एक ही स्वरूप है, एक ही लीला है, एक ही आनंद है, एक ही राज्य का दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। इसलिए कहते हैं हक इलमले देखिए तो हो ये अर्स माफक। हम परम धाम की नजर से समझेंगे तो परम धाम समझ में आएगा, यहां की भावनाओं से हम परम धाम को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो सूरत दिल देखत त्यारू जो देखे सूरत, तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। हमारा हृदय क्या है, तेरे अंग जात निस्बत। निस्बत का तात्पर्य क्या है, मूल संबंध से परात्म का ही दिल हमारी आत्मा के रूप में यही लीला कर रहा है। परात्म ने, जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा दृष्टांत दिया, आपकी मैं पूछूं आपकी आत्मा का स्वरूप है क्या है तो आप क्या बताएंगे? आप दुनिया के ग्रंथों से पढ़कर बता सकते हैं कि जो हमारा जीव है, बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए उससे भी सूक्ष्म है। आप अंतःकरण की व्याख्या ग्रंथों से पढ़ करके बता सकते हैं, लेकिन पूछा जाए आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है जो जीव पर बैठकर दृष्टा होकर खेल को देख रही है। जैसे आप चितवनी करते हैं तो मूल मिलाव में तो परात्म आपकी बैठी है, न देख सकती है न बोल सकती है, आंखें भले ही खुली है। खिलौत में इंद्रावती जी कहती है कि न पिया शब्द सुनाए, न मैं आपकी बातें सुन पा रही हूं, न आपको देख रही पा रही हूं। जब आपकी परात्म हिलडुल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, तो 25 पक्षों में आप घूमेंगे कैसे? इसलिए परात्म के दिल की चाहत ने परात्म का रूप धारण कर लिया, इस खेल में आई, उसका भी स्वरूप वही है जो परात्म का है। आत्मा, आत्मा का वही स्वरूप है जो परात्म का स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आप मुंबई गए थे तो आपके मन ने आपका नक्शे सिख तक रूप लिया, आपके जीव की भी भावना ले ली, आपके मन की भी भावना ले ली। वो मरा हुआ शरीर का कभी सपना नहीं देखता है, सपना देखेगा जीवित ही सपना देखेगा। श्रृंगार के चौथे प्रकरण में आत्म की फरामोशी के जागे का प्रकरण कहा गया है। आप देखिए योग बल से एक योगी एक साथ कई रूप धारण कर लेता है, बैठा रहेगा एक जगह और कई जगह दिखाएगा, संकल्प मात्र से उसके कितने तन बन जाते हैं।
जब इस काल माया के ब्रह्मांड में, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, श्री कृष्ण संत दूत बनकर के जाते हैं प्रस्ताव लेकर कि दुर्योधन तुम युद्ध न करो। दुर्योधन आप जानते हैं कितनी अपराधी प्रवृत्ति का था। उसने कर्ण और दुशासन की सहायता से ये प्रयास करता है कि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण को कैद कर लूं। जिधर चाहता है, जिधर नजर जाती है, उधर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण है एक, लेकिन जो दुर्योधन की नजर जहां जा रही है उसको चारों तरफ कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं। उसी तरह से यदि इस नश्वर जगत में एक कृष्ण अनेकों रूप धारण कर सकते हैं, तो परम धाम में परात्म का दिल अपने नख से सिख तक की शोभा लेकर के जो अवतरित हुआ है इस खेल में, तो परात्म के दिल ने आत्मा का रूप धारण किया और परात्म के दिल जैसा हुबहू उसका रूप बन गया। परात्म के नख से सिख तक का श्रृंगार भी उसने धारण किया। इसलिए कहते हैं अर्स्तन दिल में ये दिल, दिल अंतरपट को चुना। अब दो तीन बातें और आपको समझनी होगी। वाणी आपने पढ़ी, उसका ज्ञान किसको हुआ? जीव के दिल को, आत्मा के दिल को नहीं। पर आत्म का दिल कुछ और भूमिका में रह रहा है, आत्मा का दिल कुछ और भूमिका में रह रहा है। जैसे आप घरों में टीवी पर पिक्चर तो देखते ही होंगे, कोई दुखदायी दृश्य है तो आपको पीड़ा होती है, आपकी आह निकल जाती है। कोई किसी को चाकू मारे तो लगता है कि आपके मुंह से आह निकल जाती है। कोई हंसने वाला दृश्य है, पर्दे पर सब कुछ दिख रहा है, आप भी उनके साथ हो लेते हैं, आप ही हंसने लगते हैं। उसी तरह से परात्म राज्य की आंखों की तरफ देख रही है। जैसे आप टीवी का पर्दा देखते हैं राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, परम धाम की आत्मा ही सारा दृश्य दिख रही है और उनकी इच्छा ने उनकी आत्मा का रूप धारण करके इस मायावी जगत में अपने को स्थापित कर लिया है। मिहराज की परात्म देख रही है कि मैं राजी बनी हुई हूं। औरंगजेब की परात्म देख रही है, अरे मैं तो बादशाह हूं। शकुंडल की परात्म देख रही है कि मैं भी एक राजा हूं। यहां के दृश्यों, यहां के सुख और दुख का को अनुभूत में किया जा रहा है, लेकिन वो निद्रा में है। कैसे? आप सो रहे हैं, सोते समय बड़बड़ा रहे हैं, सोते समय आपने सपना देखा कि कोई मुझे एक चांटा मार रहा है। आप कहते हैं कि मैं दो चांटे तुझे मारूंगा। दूसरे सुनने वाले हंस रहे हैं कि सब लोग क्या कहते हैं कि ये तो सपने में बड़बड़ा रहे हैं। जो लोग चर्चनी ज्यादा पढ़ते लिखते हैं वो सोते समय भी सपना देखते हैं, तो चर्चनी कहीं सपना देखते हैं, वे नींद और सपने में भी थंबे और गलियां गिनते रहते हैं कितने, क्योंकि उनके मन में वही बात बस गई है। परात्मा वहीं बैठी बैठी है, जीव के ऊपर उसकी नजर आत्मा के रूप में आ गई है और वो जीव भाव को प्राप्त हो गई है। आप जितने सुंदर साथ हैं, माया का दुख होता है तो क्या सोचते हैं? मैं बहुत दुखी हूं। धन मिल गया तो क्या कहते हैं? राज्य की इतनी कृपा हो गई है कि 1 करोड़ का हमें प्रॉफिट हो गया। राज्य की कृपा धन के लिए नहीं होती, लेकिन आप माया के सुख को सुख मान रहे हैं, माया के दुख को दुख मान रहे हैं। जीव बेचारा दृष्टा होकर देख रहा है कि मैं इस जंजाल से कब निकलूंगा, लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में ना आए, वो अपने स्वरूप में स्थिति ना हो। स्वरूप स्थिति क्या? राजकुमार सिद्धार्थ को अपने स्वरूप में स्थिति होती है। कभी वो राजकुमार थे, 56 व्यंजन खाते होंगे, धूप शीत का कष्ट उनको नहीं लगता होगा, लेकिन जब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने वृक्ष के नीचे 7 वर्षों तक घोर तप किया, तो अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त की। सभी तृष्णाओं से रहित हो जाते हैं, कोई कामना नहीं, और देखते हैं कि मैं सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हान, जय पराजय, सभी द्वंद्व से परे हूं। मनुष्य दुखी क्यों होता है? अपमान के कारण दुखी होता है, सम्मान के कारण खुश होता है। संसारिक विषयों का सुख मिलता है तो बहुत प्रसन्न होता है, जब इसे छीनने जाते हैं तो रोने लगता है। आप सुंदर साथ भी पन्ना जानने वाले हैं और मुझे मालूम है कि आप भी वहां नारियल बांधेंगे। किस लिए? हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए। पाठ आप क्यों रखवाएंगे? मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी आत्मा की जागृत करने के लिए नहीं।
आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता। मैं कौन हूं, मैं को कौन जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? हमने तो शरीर को जाना है। अंतःकरण के सुख और दुख से हम स्वयं को प्रभावित हुए हैं। हमारी आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। हमें परात्म की भावना नहीं है कि हम राज्य के अंगना है। जिस दिन ये भावना हो जाएगी मैं परात्म हूं, उस दिन माया हमको लगेगी नहीं। माया हमको क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये संसार दिख रहा है और हमने जीव भाव को इतना प्राप्त कर लिया है कि मिट्टी का तन हमें अपनी आत्मा का तन लगता है। हमें ये पता नहीं होता कि हमारी आत्मा का स्वरूप कुछ और है। जो आत्म तत्व के जाता होते हैं जीव सृष्टि में भी, वो मन और बुद्धि चित्त अहंकार के द्वंद्व से परे हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मन तो हमें फंसाता रहा है, अब इसके चंगुल में मुझे नहीं आना। सुंदर सात की विचित्र स्थिति है, वो जीव भाव और आत्म भाव में भेद नहीं कर पा रहा है। और जो हकीकत में आ जाते हैं वो आत्मभाव और परात्म भाव दो की में जुड़े रहते हैं। मार्फत में जाने पर परात्म का भी भाव समाप्त हो जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं राज्य की अंगना हूं, एक केवल राज्य रह जाएंगे। अब प्रश्न है, एक पलक में जगे, एक पलक में कैसे जगेंगे? जनक ने कहा था कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने में ही मुझे ब्रह्म तत्व की अनुभूति करा दे। मैं अष्टावक्र तो नहीं हूं, लेकिन राज्य की वाणी जो कह रही है, राज्य ने पहले ही कह दिया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप यदि जीवन में उसको चरितार्थ करेंगे तो सबके लिए सुनहरा अवसर है। अष्टावक्र ने केवल एक जनक को शोभा दी, एक जनक को अवसर दिया कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दे देंगे। देश में जो 40 लाख के लगभग सुंदर साथ होंगे सबके लिए सुनाला अवसर वाणी ने दे दिया है, और भविष्य में जो जागनी होगी उनके लिए। चर्चा में आज के उसी विषय को मैंने स्पर्श करने का प्रयास किया है। वाणी कहती है, जो सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत, तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। तीन चीजें हैं। आप चितवनी जब करते हैं कौन कर रहा होता है? आपने वाणी पढ़ लिया, बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, राज्य का नख से सिख तक ऐसा श्रृंगार है। आप बैठते हैं, कौन बैठेगा? आपके स्थूल शरीर। कमर में दर्द होगी किसको? स्थूल शरीर को। एहसास किसको होगा? मन को, आपके जीव को नहीं। जीव बस इतना अनुभव करता है कि हाँ कुछ हो रहा है। एक बार देखिए, दृष्टा भाव में जीव जब दृष्टा होता है तो मन के द्वंद्व से परे हो जाता है। आप एसी के अभ्यस्त हैं, आपको उमस में बैठा दिया जाता है तो कहते कि रहा नहीं जा रहा है। लेकिन यदि आप आत्मस्वरूप में स्थित हो गए हैं तो तपन हो रही है या एसी हो रही है, आपको लगेगा तो कि मन को कष्ट हो रहा है। लेकिन मन के कष्टों से जब आप व्यथित नहीं होते तो इसका तात्पर्य है कि आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गए हैं। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। जब बंदा बैरागी को जल्लाद ने काटना शुरू किया, एक एक अंग, हाथ का कुछ भाग काटा, बंदा बैरागी शांत बैठे हैं, पैर का काटा, सब कुछ काटा। और आप जानते हैं बंदा बैरागी के सामने उनके बेटे को किस तरह से उनके मुख में मांस का टुकड़ा भर दिया जाता है। कितने बेरहमी से जल्लाद ने काटा, बंदा बैरागी शांत है, कोई लेना देना। एक एक अंग काटता जा रहा है जल्लाद और मुस्कुरा रहे हैं बंदा बैरागी। जल्लाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बंदा बैरागी क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? मैं काट रहा हूं, मेरे से सहन नहीं हो रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। कहता है बंदा बैरागी क्या कहते हैं कि जल्लाद तू मुझे थोड़े काट रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है, मुझे तो तू काट ही नहीं सकता। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहत भाव को, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा न उसको गर्मी लगेगी
में सर्दी, गर्मी का अनुभव होगा लेकिन गर्मी के कष्ट व्यथित नहीं होगा। जैसे दुर्वासा ऋषि ने मिठाई भी खा लिया, व्यंजन भी खा लिया, तो भी क्या कहते हैं कि मैं तो घास खाया हूं, क्योंकि घास उनको व्यंजन के सुख के प्रति आसक्ति नहीं है। यदि उन्होंने मिठाई खा करके भी गोपियों के कर दिया कि मैंने नहीं खाया तो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वे जीव के शुद्ध स्वरूप में स्थित हैं, दृष्टा होकर के देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब वो आसक्ति पैदा हो जाती है कि मुझे यही मिलना चाहिए, तो वहां प्रश्न होता है कि इस पर अंतःकरण का अधिकार है। जब जीव अपने रूप में स्थित होगा तो वो भी अन्न की तरह ही भोजन करेगा, चलेगा फिरेगा, लेकिन अंतःकरण का भाव उस पर हावी नहीं होगा। उसके चैतन्य का भाव जब प्रबल होता है तो कहते हैं कि दृष्टा भाव से हम इसको देख रहे हैं। अब है, जब आप चित्त नहीं करेंगे, देखना कौन चाहता है? आपकी आत्मा। वाणी आप चर्चा सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, कौन रोता है? आपके जीव का जो हृदय है, जब उसमें विवेक जागृत होता है तो विरह के आंसू भी बहता है। अब ये सोचता है कि लाखों जन्मों से मैं भटक रहा हूं, अब वो अपने को क्या करता है, वाणी का प्रकाश पाकर आत्मभाव में खोने लगता है कि नहीं, मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। है जीव लेकिन उसमें आत्मभाव जागृत हो गया, वाणी के प्रकाश ने जीव में आत्मभाव जागृत कर दिया और माया के अंधकार ने आत्मा के अंदर जीव भाव जागृत कर दिया और जीव के अंदर शरीर भाव जागृत कर दिया। ये उल्टा होता रहा है। जब आप चित्वनी करेंगे तो पहले आपके अंतःकरण में जो भरा है उसके अनुसार चित्वनी होगी। आप शरीर को स्थित करेंगे, स्थिर करते करते आप जैसा आपने सोचा है, राज्य के नख से सिख तक वो मन में भाग रहा है, घूम रहा है, मन को आप एक बांध रहे हैं। बांधते बांधते एक ऐसी स्थिति आएगी जब एक घंटे से अधिक आप बैठ जाएंगे बिना हिले डुले। शुरू में क्या होगा कि आपके शरीर में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे मकान की नींव होती है वैसे ही आसन नींव है। यदि आप स्थिर तरीके से बैठ नहीं सकते तो आप ध्यान नहीं कर सकते। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। इसको चितवनी नहीं कहते हैं, इसको भावलीनता कहते हैं। चलते फिरते न चितवनी कोई किया है, न कोई करेगा, न कोई कर सकता है। राज्य के भाव में डूबे रहना चितवनी नहीं है, उसको कहते हैं भावलीनता। कुछ साल पहले जब मैं शुरू शुरू में तारतम लिया था, मुझे सूचना मिले थे कानपुर के सुंदर साहब जो है ये 24 घंटे चलते फिरते तारतम का पाठ किया करते थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि तारतम का पाठ तो पाठ है, उसको चितवनी कैसे कह सकते हैं? जब आप संकल्प विकल्प करें निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरति सोतो जाहिर भय सबिद वतन से, ये ध्यान थोड़े है। दर्शन शास्त्र क्या कहता है? तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप कीजिए। होता क्या है कि जैसे एक परंपरा डालती जाती है वो सबके दिल में बैठ जाती है। कोई कोई बिरला उस पर विचार करता है कि ये जो परंपरा है ये सही है या गलत। वाणी का प्रकाश जब तक समाज में सुंदर साथ के हृदय में घर नहीं करेगा तब तक हमें वास्तविक बोध नहीं हो पाएगा। जब एक घंटे से ऊपर आपका आसन होगा बिना हिले डुले, एक घंटे में क्या होना होगा, आपके शरीर में स्थिरता होनी शुरू हो जाएगी, रक्त का संचार धीमे होना शुरू होगा, मन की वृत्तियां शांत होने लगेंगे। आप यदि सोचते हैं कि 15 मिनट में तुरंत चितवनी हो गई तो उसको चितवनी नहीं कहते, उसको तो बैठना कहते हैं, धारणा। आपने अपने चित्त में राज्य की शोभा को धारण करने का प्रयास किया है, बस इसको धारणा कहेंगे। ध्यान किसको कहेंगे? कम से कम 2 घंटे, नियम के अनुसार तो 3 घंटे। जब आप देह की परिधि से परे हो गए, इस शरीर का कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं कहां हूं, केवल आत्मभाव आया रहा और आपके आत्मिक भाव ने परात्म का श्रृंगार लेकर ये नख से सिख तक मूल मिलावे में पहुंचकर अपने राज्य की शोभा को देखने का प्रयास किया, तो इसको कहेंगे ध्यान। और जिसको देख रहे हैं उसी में डूब गए
अपनी आत्मा की दृष्टि देखने लगे उसको कहते हैं समाधि। आप तो एक घंटे में जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, कितने सुंदर से तो बैठे बैठे गिर जाते हैं, चुपैया पढ़कर कह देते हैं कि हमें तो राज्य का अनुभव होने लगा। किसी को सपने में कुछ अनुभव हो गया तो उसी को सब कुछ मान लेते हैं कि हमें राज्य ने आज ये कहा, महाराज जी ने ये कहा। ठीक है, किसी परमहंस का सतगुरु का सपने में दर्शन होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ उसी को ना मान लीजिए। आत्म जागृति के लिए आपको स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। जब तक आप अपनी जीवा को नहीं जीतेंगे तब तक आपकी बुद्धि सात्विक नहीं होगी, आपका मन शांत होगा ही नहीं, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा का दिल राज्य की शोभा को नहीं देखेगा। सागर में क्या कहा गया है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे वो समाए। जीव के अंतःकरण ने वाणी पढ़कर अपने अंदर आत्मसात कर लिया, आत्मा के अंतःकरण ने अब करना शुरू किया है। जब आप चितवनी में बैठेंगे, यदि दो घंटे तक लगातार बैठने का अभ्यास आपको हो जाए तो हो सकता है राज्य की कृपा से बीच में कुछ पल ऐसे आएंगे जिसमें लगेगा कि अब सचमुच राज्य का स्वरूप झलक गया, वैसा ही जैसा है, लेकिन वो पल भर के लिए होगा। इसको किसने ग्रहण किया, आत्मा के दिल ने। आज जो बात चल रही है उससे ऊपर की बात चल रही है। फरक नहीं दिल रूह के, ये तो दौड़ रहे हिलमिल कह रहे हैं। आत्मा के दिल में और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, परात्म के दिल में और परात्म में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परम धाम में सभी एक स्वरूप है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में खड़ा होता है, उसके चेहरे पर एक तिल है तो दर्पण में चार तिल नहीं हो जाएंगे। किसी के एक कान है तो दर्पण में चार कान नहीं दिखेंगे। परात्म का प्रतिबिंब है आत्मा, तो परात्म जैसी है नख से सिख तक आपकी आत्मा भी वैसी ही है। एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए चितवनी में बैठने से पहले आप अपने आत्मिक भाव में स्वयं को डुबोइए। जीव भाव को ज्ञान दृष्टि अलग कर दीजिए। आपका शरीर 60 साल का है, काला कलुटा है, ठिकना है, इस बच्चा है, इस सबको भुला दीजिए। ज्ञान का प्रकाश तो यही कर रहा है, जब आपने जीव भाव को छोड़कर आत्मिक भाव लिया है तो आत्मिक भाव से परात्म का श्रृंगार सजिए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग कसम। परात्म को संग लेने का तात्पर्य परात्म के श्रृंगार में सजकर राज्य के प्रेम में डूबना है। अब क्या है, जैसे जैसे आप चितवनी में बढ़ते गए राज्य की झलक मिलने शुरू हो गई। जितना मन आपका सात्विक होता जाएगा, प्रेममयी होता जाएगा। देखिए, जो साधना शिव संकादिक ने की, हम तो वैसी नहीं कर सकते हैं। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, परमात्मा कौन है इसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। 5000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव का आसन नहीं हिला। आप तो 5 घंटे नहीं बैठ पाते हैं। कहां 5000 दिव्य वर्ष, मानवीय वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए मानवीय वर्ष भी मान लीजिए। 5000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव बैठे रहते हैं, फिर भी उनको सीधे दर्शन नहीं होता है। ईश्वर से समाधि में जो उन्होंने सुना वो महेश्वर तंत्र में कहा है। ईश्वर से सदाशिव ने कहा और सदाशिव से समाधि में अक्षर ब्रह्म ने कहा था। सदाशिव को भी सीधे साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आपको राज्य ने परम धाम की अखंड संपदा दे दी है जो आज तक किसी को नहीं मिली थी, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। भगवान शिव हिमालय की गुफा में बैठे हैं, अमरनाथ की गुफा में। भगवान शिव जैसे एकांत में आप रह नहीं सकते, सुखदेव जी जैसे ब्रह्मचारी आप बन नहीं सकते, कबीर जी जैसे फक्कड़ आप बन नहीं सकते, गौतम बुद्ध जैसे शालीन आप बन नहीं सकते, लेकिन ये जहां पहुंचे हैं आपको उनसे ऊपर पहुंचना है। आपको गृहस्थी के माहौल में रहकर, ये दिल्ली जैसे आधुनिक महानगर में रहकर के भी यदि उस मंजिल पर पहुंचना है तो वाणी के प्रकाश में आपको केवल अहम का विसर्जन करना होगा, मैं कुछ नहीं। परात्म का श्रृंगार लेकर अपनी आत्मा को उसमें डुबोइए कि मेरा वही स्वरूप है जो मेरी परात्मा का है।
और शरीर को स्थिर रखने का प्रयास कीजिए, मन को शांत रखिए। परिणाम क्या होगा? आप देहाध्यास यानी शरीर की प्रतीति, जब आप थोड़ी देर बैठते हैं खुजलाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, शरीर का भाव बढ़ाने लगता है। इस तरह से बैठ जाइए कि शरीर हिले डुले नहीं, शरीर से जब परे हो जाएंगे केवल विरह का रस आएगा। उठते बैठते रात को सोने से पहले मैंने कहा है आपको शुभ संकल्प करना होगा कि राज जी मेरे अहम को हटाइए, मुझे अपने अंदर मेरा अधिकार जो प्रेम का है वो दीजिए, मेरी आत्मा के धाम हृदय में अपनी अखंड शोभा को बसाइए, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध नहीं, अनादिकाल का मेरा अधिकार था, है और रहेगा, क्योंकि मेरे हृदय में आप अखंड रूप से बसे हो। माया के पर्दे को हटाना आपका काम है, मेरा जीव इसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है। अब जब आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की शोभा बसनी शुरू हो जाती है तो वहां ये चौपाई घटित होगी। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे उस समय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। जिस क्षण आपकी आत्मा ने राज्य की शोभा को देखना प्रयास किया और शरीर भाव से उसकी दृष्टि जीव से शरीर से संसार से हटी गई, एक सेकंड के लिए भी होता है तो उस क्षण झलक मिलती है, लेकिन इस चौपाई में जो कहा गया है वह कुछ और है। रू तो तेरी रश्मि तो हके कहिया अरस्तिल, या दो रू की बात होती है, एक रूह है जो इस खेल में, अंग्रेजी ये उर्दू में अरबी में आत्म और परात्म के लिए अलग शब्द नहीं है, जीव को भी रूह कहा जाएगा, आत्मा को भी रूह कहा जाएगा और परात्म को भी रूह कहा जाएगा। ऊपर जो कहा गया है कि फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिलमिल तो ये आत्मा के लिए, यहां कहा जा रहा है रूह तो तेरी अरश में तो हके कहया अरस दिल, हमारी आत्मा कहाँ है? खेल में। हमारी परात्म कहाँ है? परमधाम में, धनी के सम्मुख। अब जो सबसे बड़ी बात है वो कहने जा रहे हैं, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, पहले हमारे जीव का दिल लगा, वाणी का चिंतन किया तो जीव के दिल ने राज्य श्यामा जी को अपने दिल में बसा लिया। हम बातें भी करते हैं तो राज्य के श्रृंगार की, सोचते भी हैं तो राज्य के श्रृंगार की, लेकिन अभी जीव के दिल तक है। इंद्रावती जी की आत्मा सिंधी में कहती है कि राज्य आपका ज्ञान मेरे दिल तक पहुंचा है, मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचा है। दिल तक पहुंचने का तात्पर्य क्या है? जीव के दिल ने ग्रहण कर लिया है, आत्मा का दिल अभी बाकी है। हाँ, आत्मा का दिल दृष्टा होकर के देख रहा है कि जीव राज्य के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन आत्मा का लक्षण है प्रेम। ज्ञान भी आत्मा में होता है लेकिन वो स्वाभाविक ज्ञान होता है, जीव पुरुषार्थ करके ज्ञान को, जीव पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को ग्रहण करता है। हमारी आत्मा जब विरह का रस ले, जीव को दृष्टा होकर के देख रही है, वो देख रही है कि जीव बिलख रहा है, प्रेम मांग रहा है, नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखने का प्रयास कर रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन भागता है, ये अवस्था जीव भाव की होती है। आत्मा के हृदय में तो बसा ही हुआ है, जैसे परात्म के हृदय में बसा है वैसे आत्मा के हृदय में सारा परमधाम बसता है। अभी खुलासा की जो टीका हुई है उसमें इस तत्व को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। हमारा सारा परमधाम हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, तो सेरक से नजीक कहया
किस लिए? सेहरक प्राण की नली से भी, जिस अनंत परम धाम को कोई आज दिन तक देख नहीं सका था, कोई जान नहीं सका था, इस नश्वर जगत में हमारी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम बसता है। बस एक पर्दा हटाने की देर होती है और वह पर्दा होता है जीव के अंतःकरण का पर्दा। जीव जो पहले संसार के सुखों दुखों में फंसा पड़ा था, संसार को देख रहा था, शरीर को देख रहा था, अब उसको नहीं देख रहा है। अब उसके अंदर ज्ञान का जो प्रकाश हुआ है तो केवल परम धाम को, राज्य को देखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण के कारण मन की चंचलता उसको विचलित कर दे रही है। अब वो बिलखता है, जैसे बिलखेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए संसार, अब उसके अंदर प्रेम का एक रस आता है। अब आत्मा की लीला यहां से शुरू होती है। अब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है कि मैं किधर देख रही थी, मैं इस लीला को क्यों देखूं। जैसे आपका बच्चा, मैं एक संसारिक दृष्टांत से आपको समझा रहा हूं, यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। खेलते हुए आया, पैर धूल में सने हुए हैं, अचानक आकर के टीवी के सामने बैठ गया, गेम देखने लगा। आप आते हैं, उसको कहते हैं कि तुम इतनी देर से टीवी देख रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे पैर में धूल लगी हुई है और तू गद्दे पर बैठ करके उसको गंदा कर रहा है। अब वो क्या करेगा? आपकी बात सुनकर अपने पैर की तरफ देखेगा, अरे मेरा तो पैर गंदा है। बस ये बात। अभी तक आपकी आत्मा जीव के शरीर और जीव के संसार को देखकर संसार के भाव में खोई पड़ी थी। अब आत्मा को अपनी परात्म का आभास हो रहा है कि मेरा शरीर मेरा स्वरूप ये है, क्योंकि अब जीव चितवनी में इतना डूब गया है कि शरीर और संसार की तरफ देख ही नहीं रहा है। अब आत्मा की लीला यहां से शुरू होती है कि आत्मा परात्म के श्रृंगार में भावित हो जाती है और राज्य की तरफ देखने का प्रयास करती है। अब यहां पहले कहा जा चुका आत्मा का दिल और आत्मा दोनों अरस्परस है। परम धाम में जो राज्य का दिल ही सामाजिक और सखियों के रूप में है। जो जितने तन हैं, तन कहिए, रूह कहिए, दिल कहिए, वहां कोई भेद नहीं है। यहां पर भेद है, हमारा ये पंचभूतात्मक शरीर स्थूल है, हमारी इंद्रियां सूक्ष्म है, हमारा अंतःकरण कारण शरीर कारण प्रकृति से बना हुआ है और हमारा जीव कारण प्रकृति से परे नारायण की चेतना का प्रतिभास है। यहाँ सब अलग अलग है, परम धाम में कोई अलग अलग नहीं है। और हमारी आत्मा जो जीव पर बैठी है, आत्मा का दिल और आत्मा दोनों एक है, परात्म का दिल और परात दोनों एक है, और परात्म का दिल और राज्य दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब ज्ञान का प्रकाश आप पा जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, खेल क्यों बना? खेल बना ही है इसलिए हमें बताया जाए कि हम हैं कौन। जो मारिफत की बात राजी आज तक अनादिकाल से लेकर अब तक नहीं बता पाए थे, उसको बताने के लिए तो माया का खेल बनाया गया। अब जो मैं वास्तविक बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, क्यों जो सूरते रूह लगे। तेरा दिल जिस तरह से लग रहा है वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी राज्य के सूरत की तरफ लग जाए, बस ये करना है। अष्टावक्र ने कहा था कि जनक मैं तुझे घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने ही समय के लिए ब्रह्मज्ञान दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए। और ये कह करके बिना कुछ सोचे तुरंत चल देते हैं। जनक सोचते हैं कि मन तो मैंने गुरुदेव को दे दिया, यदि इस मन से मैं सोचता हूं कुछ भी तो ये महापाप होगा, मुझे सोचने का ही अधिकार नहीं है। जब मन से नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, बैठे ही रह गए अपने सिंहासन पर, 3 दिन 3 रात बैठे रहते हैं, इसी में समाधि लग जाती है। अष्टावक्र आते हैं, पूछते हैं कि जनक उठो, क्या तुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कहता है कि नहीं गुरुदेव, मुझे सब कुछ मिल गया। कहते हैं कि अब तो उठो। कहते हैं कि नहीं, मैंने तो मन आपको दे दिया, मैं कैसे उठूं, मुझे कोई अधिकार नहीं। मुझे कोई अधिकार नहीं, इस वाक्य को याद कर लीजिए। जनक से कहते हैं अष्टावक्र कि अब मेरे आदेश से उठो। खिलवत के 5 प्रकरणों में राज्य यही बात कहना चाह रहे हैं, आपने जीव की शरीर की संसार की मैं का एक पहाड़ खड़ा कर रखा है। बार बार इंद्रावती जी कह रही है,
हंसाओ बुलाओ रुलाओ जो कुछ करना हो आपको, मैं तो आपा दे रही है तुम ही रक्षा जी। ये बात हमको सिखाने के लिए कही जा रही है। जनक को सीखने में कुछ समय नहीं लगा, पल भर में जनक ने सीख लिया कि मैंने अपना मन गुरुदेव को दे दिया तो हमें इसे कुछ भी करने का अधिकार नहीं। हम वाणी में कितना भी पढ़ते हैं, मासुके मोहे दिल दे करी, मासुके मोहे मिल के करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पढ़ू तब जो मैं तू जल्द पूछा था तुम। राज जी ने तो आपको अपना दिल दिया है, आपने अपना दिल नहीं दिया है। सच्चा है, कड़वा सच्चा है। जिस दिन आप अपना दिल राज जी को दे देंगे उसी क्षण आपको राज जी का दर्शन हो जाएगा। मन की खटपट तब मिटे जब झटपट दर्शन हो। यह कहीं बात को समझाने के लिए खिलवत के पांच प्रकरण इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम अपना दिल राज जी को देना सीखें। चितवनी आप बैठते हैं संसार नजर आने लगता है क्योंकि आपके मन ने लाखों जन्मों में संसार को देखा है। और जब तक मैंने तीन स्तर बताए, जीव के दिल ने वाणी का प्रकाश लिया और विरह लिया, ध्यान करते करते पहले तो हमारे समाज की दुर्दशा है कि केवल कर्मकांडों का जाल है, केवल माला का जप सेवा पूजा से आगे कोई सोचना ही नहीं चाहता कि वाणी में कुछ और भी है। संसार के बड़े बड़े योगी जहां थक हार करके बैठ गए, नारायण ब्रह्मा विष्णु शिव जहां थक कर हार करके बैठ गए, उसके परे का तत्व ज्ञान आपको तारतम वाणी के रूप में दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं बहुत लंबे समय से सारी बातें छिपी पड़ी थी, राज्य की कृपा से सुंदर साहब वाणी का चिंतन करने लगा है और मुझे आशा है कि जो राज्य ने ज्योति जलाई है सुंदर साहब के हृदय में, यदि ये बढ़ती रही तो सभी रहस्य सारे देश में फैल जाएंगे, संसार में फैल जाएंगे और सबको ये प्रकाश मिलेगा कि हक नजीक सहरक से कैसे है। हम तो सोचते हैं कि राज्य वहां मंदिर में बैठे हुए हैं, आत्मा के धाम हृदय में कोई खोजना नहीं चाहता। जड़ में सिर ले ढूंढते हक आए दिल अर्ष चेतन, हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को नहीं देखते हैं, जो सबसे निकट है उसको हमने दूर बना रखा है। कह रहे हैं तेरा दिल लग गया जो सूरत को, क्यों जो सूरते रूह लगे तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। ये मुख्य बात है, तो अब ही ले रूह लज्जत, आत्मा को परम धाम का स्वाद आने लगेगा। कब? जब आपकी आत्मा उनको देखने लगेगी तो आत्मा को लगेगा कि मैं परम धाम में हूं। आप बैठे यहां पर हैं, दिल्ली नगरी में बैठे हैं, शरीर भाव से परे हुए, वाणी के पाठ तो होते रहते हैं क्योंकि वाणी के पाठ में दोनों तरफ लड्डू ही होता है, आपको ज्ञान भी मिलता है, माया की कामना भी पूरी हो जाती है। इन चुपाइयों को तो सुंदर साथ कितनी बार पढ़ जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद यदि हम इसकी चिंतन की गहराइयों में न जाएं तो हमें वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। वह कह रही हैं तो अभी ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। एक पल में जगाने का क्या तात्पर्य है? हम ज्ञान के प्रकाश में विरह का मार्ग अपनाएं, विरह की भट्टी में अपने को तपाकर प्रेम का मार्ग लें, आत्मा अपना मार्ग स्वयं चयन कर लेगी। अब यहां से जीव के दिल की लीला समाप्त। आत्मा को जो अनुभव होगा जीव को उसका रस मिल जाएगा, जीव को बस इतना ही अधिकार होता है। अब आत्मा परात्म के श्रृंगार में सजकर राज्य के नक्श से सिख तक को देखने का जो प्रयास कर रही है तो मन जितना चंचल है। अब एक बात देखिए, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम बता रहा हूं। देवचंद जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनकी सुरता पहुंच रही है अखंड ब्रज में। घुघनी का प्रसाद खाते समय जरा सा हाथ हिलता है, परिणाम क्या होता है? शरीर हिला तो उनकी सुरता टूटी, जो आत्मा को आनंद मिल रहा था वो समाप्त हो गया। तो जीव के ऊपर आत्मा बैठी है तो याद रखिए, घोड़े पर कितना भी महारथी बैठा हो, घोड़ा बिदक जाएगा तो महारथी महोदय भी जमीन पर गिर जाएंगे। इसी तरह से यह जीव है, जीव को
शांत बनाना ही पड़ेगा, शरीर को स्थिर बनाना ही पड़ेगा। जीव से वाणी के अध्ययन को ग्रहण करके इसके चिंतन के प्रकाश में विरह का रस लेना पड़ेगा। जैसे ही जीव की चंचलता रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, अहम बढ़ता है, प्रेम रस कम होता है, तो मन की चंचलता, जो आत्मा को अपने हृदय में आनंद मिल रहा था, जिसके लिए सागर की चौपाई में बार बार कहता हूं कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतर। उसमें आत्मा और परात्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि परात्म में भी युगल स्वरूप बैठे हुए हैं और आत्मा के धाम हृदय में भी आत्मा देख रही है कि युगल स्वरूप बैठे हैं, लेकिन मन की चंचलता उस पर पानी फेर देती है। यहां तक हुआ, आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि का झलकना, इसको कहते हैं आत्मा के अंतस्करण में जब रोए समय। अब जो चौपाई आज कही जा रही है, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते दिल रूह लगे। जैसे राज्य के सूरत को दिल देख रहा था, अब आत्मा देखना प्रारंभ करे। आत्मा और दिल में कोई अंतर नहीं है, पहले मैं कह चुका हूं, लेकिन जब लीला हो रही है तो मैंने जैसे कहा काल माया का दिल और काल माया का जीव दोनों अलग अलग है, एक चेतन है एक जड़ है, लेकिन चेतन जीव की चेतनता को लेकर अंतःकरण भी चेतन बना हुआ है। अंतःकरण स्वयं जड़ है, लेकिन जड़ हुए होते हुए भी चेतन की तरह कार्य कर रहा है। एक मन ऐसा शक्तिशाली है, इसलिए तो वेद ने कहा कि तत् सुख ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति इसको कहा गया है। एक मन हुबहुब शरीर का रूप धारण कर लेता है, कितने संकल्प विकल्पों में करता है। एक बुद्धि परमात्मा के बारे में सोचना शुरू कर देती है, बुद्धि तो जड़ तत्व है, लेकिन जीव की चेतनता प्राप्त करके ये लगता है कि मैं भी चेतन हूं। आपका अहम खड़ा होता है, आपका चित्त खड़ा होता है, चित्त में ही तो सारा संसार है। चित्त के सारे संस्कार हटा दीजिए तो आप तो शुद्ध बुद्ध निर्लेप है। लाखों जन्मों में जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का बीज ही आपके चित्त में संग्रहित है, जिसको कहते हैं संस्कार। और साधना का उद्देश्य होता है सारे संस्कारों से स्वयं को रहित कर देना। अब जो यहां बात कही जा रही है, हमारी आत्मा राज्य के प्रेम भाव में इतनी डूब जाए कि उसको शरीर भाव पता ही नहीं रह जाए, ये तो जीव के भाव पर अभी तैयारी करनी पड़ेगी। चितवनी में जब आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप गहराई में पहुंचेंगे, शरीर भाव पहले समाप्त होगा, फिर अंतःकरण का भाव समाप्त होगा, फिर जीव का भाव समाप्त होगा, फिर आत्मा के दिल में झलक आने लगेगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब और प्रेम की गहराई में आ जाएंगे। जब आपकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है कि राजी के गले में चार हार हैं या पांच हार हैं या छह हार, अंगूठियां कैसी हैं, ये सब बुद्धि का खेल है जो आपने वाणी में पढ़ रखा है। राज्य के श्रृंगार को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जो भी श्रृंगार वर्णित किए गए हैं वो राजस्थान और गुजरात के श्रृंगार हैं। मेराज जी के दिल में जैसा संस्कार था, उन संस्कारों के अनुसार राज्य ने वर्णन कराया। लेकिन आप ये मत सोच लें कि राज्य को हम टाइप आउट करके देखें, एक मर्यादा है आध्यात्मिक क्षेत्र की। महामती जी की आत्मा को जैसा दिखा है वैसा ही वाणी में वर्णित किया गया है, और आपको उसी का आधार लेकर राज्य की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा, वो शोभा आपके हृदय मंदिर में बसती जाएगी, और जब गहराई पहुंचेगी तो आत्मा का हृदय और दिल, आत्मा का हृदय और आत्मा एक स्वरूप में हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि आत्मा और दिल में जब भेद नहीं है तो ये क्यों कहा गया है कि तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते रू लगे। इसलिए दिल में और आत्मा में वैसे कोई भी भेद नहीं है, लेकिन एक घटक के रूप में जब लीला रूप होती है, जैसे श्यामा जी और राजी में कोई भेद नहीं है, सखियों और राजी में कोई भेद नहीं है मार्फत के दृष्टि से, लेकिन लीला रूप से भेद है, उसी तरह से अब यहां कहा जा रहा है कि तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। तो
अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे, पल भर में आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। केवल आप धैर्य बनाए रखिए, अपने प्रेम की गहराई में डूबने का जो प्रयत्न है उसको हमेशा बनाए रखिए। किसी भी तरह की अहम की दीवार खड़े ना होने दीजिए। जैसे जैसे आप डूबते जाएंगे, जो झलक आती थी वो झलक परिपक्व होती जाएगी। एक ऐसा समय आ जाएगा बिल्कुल शांत, उस राज्य की शोभा को आप हटाना भी नहीं, हटाना भी चाहेंगे तो आपके बस में नहीं रहेगा। क्योंकि जिसने एक बार उसकी शोभा को देख ली, जिन देखा हक हैड़ा सो फेरे ना नजर तरफ, और वाको उसी सूरत बिना आग लगे सठोर। सारे ब्रह्मांड की भी दौलत किसी को दे दिया जाए और कहे कि आप चितवनी करना बंद कर दो तो उसके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा का प्राणेश्वर, उसकी आत्मा के धाम हृदय में अपलक नेत्रों से वो देख रहा आएगा। कौन है ऐसा नादान जो शोभा को देखने से मुंह फेरे। इसलिए कहते हैं कि यदि एक पल के लिए भी यदि आपने ऐसा कर लिया कि आत्मा के अंदर वो रूप आ गया, आत्मा के दिल में तो बसता है, आप एक घंटे दो घंटा शांति से बैठिए तो सब सुंदर साथ को आभास होगा, एक झलक तो आती ही होगी। लेकिन आपके हृदय का जो जीव का हृदय है अभी स्थिर जल नहीं हो पाया। जैसे पानी में, तालाब में जाइए, पानी हिलता रहता है, चेहरा देखिए तो पानी की तरंगों के कारण चेहरा पूरा साफ नहीं दिखता है। उसी तरह से आपके जीव के हृदय में अभी कुछ गड़बड़ी है, वो समर्पण की भावना नहीं आ पाई, प्रेम की भावना नहीं आ पाई। मैंने वही बात कही कि बुद्ध से अधिक तपश्चर्या हम लोग कर नहीं सकते, सुखदेव से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकते, भगवान शिव से अधिक एकांतवास में हम रह नहीं सकते, संकादिक जो 8 साल की अवस्था से ही खोज में लग गए थे वैसा भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है परात, हमारी आत्मा का खंड स्वरूप है, परम धाम से हमारी निस्बत है, राज्य ने हमको वाणी दी है। मूल संबंध के कारण हमारा कद सबसे ऊपर हो जाता है, चाहे सुखदेव हो, चाहे अक्षर की पंचवासनाएं हो, चाहे संकादिक हो या कोई भी हो। केवल एक चीज हमें करनी होगी, हम अपने गुण अवगुणों को न देकर केवल राज्य का प्रेम लें। हमारे अंदर हो सकता है कई अवगुण हो सकते हैं, लेकिन यदि हमने धनी का प्रेम ले लिया तो राज्य के प्रेम में इतना बल है कि हमारे सारे अवगुणों को भस्मीभूत करके हमें हमारी सुत्ता का मूल मिलाव में पहुंचा सकते हैं और पल भर में ही हमारी आत्मा जागृत हो सकती है। यह सुनहला अवसर सबके लिए है, इसलिए चितवनी करते समय आप धैर्य मत खोइए, ये निराश ना होइए कि राज्य आ नहीं रहे, राज्य नहीं आ रहे हैं। राज्य कहीं भी दूर नहीं है। आप खुलासा की टीका आपको पद्मावतीपुरी धाम में मिल जाएगी, जो नहीं जा पाएंगे अगली गोष्ठी में यहाँ मिल जाएगी। लेकिन सागर श्रृंगार में तो आपने विस्तार से पढ़ा है, खुलासा के कुछ प्रकरणों में दर्शा दिया गया है कि सहरक से नजदीक कैसे है। सिंधी में भी आपने पढ़ा है, लेकिन सिंधी में इतने गुहे तरीके से कहा है कि सुंदर साथ को विश्वास नहीं आता। खुलासा में सीधे कह दिया है कि जो निराकार के पार का परम परम धाम है, तारतम वाणी के प्रकाश में इस दुनिया में हमारी आत्मा के धाम हृदय से भी निकट है। पिछली बार की चर्चा मैंने इसी लक्ष्य को लेकर के की थी, और आज जो मैंने कहा कि एक पलक में कैसे जगते हैं, तो उसका मूल उत्तर है कि आत्मा के दिल में बसाने तक ही सीमित न रखिए, अपने अंतःचक्षुओं को खोल करके देखिए। आत्मा के दिल में बस जाएंगे तो एक पल में ही आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कहिया दिल अर्श। हमारा दिल धनी का अर्श है, अर्श होते हुए भी उसका हम लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। रूह तो तेरे दिल बीच में, जैसे माया के दिल में जीव रहता है, उसी तरह से जीव के ऊपर जो हमारी आत्मा है अपने दिल के बीच में है। रूह तो तेरे दिल बीच में, तो कहिया दिल अर्श। अब देखिए, परात्म का जो तन है लीला रूप में, श्यामा जी का हो, सखियों का हो, पशु पक्षियों का हो, ये कहा जा रहा है कि सखियां ले जाती हैं। परात्म का नक्श सिख तक का तन है राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप।
अब हम इस दुनिया की भाषा में कहते हैं कि वो उसके अंदर रूह है, क्योंकि हमारे शरीर में रूह होती है, आत्मा होती है। अब जो परात्म का तन है, परात्म की आत्मा है या परात्म का दिल है, तीनों एक एकत्व में है, वहदत में है, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है उसी तरह से। लेकिन जब इस दुनिया में हम व्यक्त करेंगे तो क्या कहेंगे कि दिल के बीच में आत्मा रहती है। तो इसी तरह से सोचिए, हमारी आत्मा के बीच, हमारी आत्मा भी दिल के बीच में है, इसलिए हमारा दिल अर्श हुआ। जैसे अब दर्पण में आप खड़े हो जाइए तो जो आपका नाम रहेगा, आप नहीं देख रहे हैं, कोई दूसरा आदमी देखेगा, जैसे आपका फोटो है, मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है और उस फोटो को देखकर कोई भी कहेगा कि ये मोहन है, मोहन के चित्र को मोहन कहा जा रहा है, उसी तरह से परात्म के प्रतिबिंब को भी परात्म का ही नाम दिया जा रहा है। आप इतनी समझ लीजिए कि शरीर से तो हमारा केवल इतना संबंध है कि हमारी आत्मा इस शरीर को आधार बनाकर खेल देख रही है। चितवन में इसको भुला दीजिए, परात्म के श्रृंगार में होकर आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस प्रीतम को बसाने का प्रयास कीजिए, और उसी भावना से जैसे कि हमारी परात्मा है वैसे मेरी परात्मा का दिल है, हमारी परात्मा है, तन दिल और आत्मा को एक कर लीजिए परम धाम की भावना से। अब यहां भी तो परिणाम क्या हो गया, सेहरक से नजीक तो कहिया जो रूह दिल अरस परस। दिल और रूह अरस परस हैं परम धाम में, तो यहां भी सेहरक से नजीक तो कहिया जो दिल रूह अरस परस, यहां भी राज्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। और वाणी के प्रकाश में हम देखेंगे तो इस सेहरक तो परम धाम में होते नहीं, प्राण नली यहां होती है, परात्म के अंदर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो चेतन है। इस झूठी दुनिया में मिट्टी के इस पुतले के अंदर हमारी आत्मा बैठी है, जीव पर बैठकर खेल को देख रही है। तो ये सारे पर्दे आप हटा देंगे तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम दिखाई देगा, युगल स्वरूप बैठे हुए दिखाई देंगे, और आपको नहीं लगेगा कि हमारी जागरी में कुछ देर है। बस अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, बाहर के कर्मकांडों में फंसने से आपकी आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो प्राइमरी की क्लास तो आपने कई साल पहले पूरी कर ली, सारे जीवन में उसी क्लास में लगे रहेंगे तो क्या होगा। सारा समाज तो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वही प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाइयों को बार बार दोहराया जाता है, सारा सुंदर साथ उसी में लगा रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि 300 वर्ष हो गए, कब सुंदर साथ परम धाम की राह लेंगे, कब अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छव को एकनिष्ठ होकर के देखेंगे। और यदि हम उस राह पर चलते हैं तो एक चीज याद रखिए, एक पलक में जगे, पलक झपकने में जितना समय लगता है, 1 सेकंड, ये तो अष्टावक्र ने तो कहा था कि मैं ठीक है घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है मैं उतने में दर्शन करा दूंगा, घोड़े पर चढ़ने में तो कम से कम 1 मिनट लगता है, और राजू तो कह रहे कि मैं तुमको 1 सेकंड में जागृत कर सकता हूँ, केवल एक काम करना है। जो दिल में, जीव के दिल में बसाते थे, अब आत्मा के दिल में बसाएं, और आत्मा के दिल से बसाना भी आगे बढ़कर आत्मा की आंखों से देखें। आत्मा की आंखों से देखने से पहले आपको अपने हृदय में केवल प्रेम लेना पड़ेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। आपको तो राजी ने अधिकार दे दिया है कि तुम मेरे स्वरूप जैसे बन सकते हो, केवल हमें चलना है। हम शरीर भाव जीव भाव से परे हो जाएं फिर बाकी क्या रहेगा। हम दुखों में घिरते रहते हैं, हम सोचते हैं कि अरे बहुत दुखी जीवन है, आत्महत्या कर लें। आत्महत्या किसी भी संकट का समाधान नहीं है। जीव यदि इच्छा के विपरीत तन छोड़ता है फिर क्या होगा, उसका यदि जन्म नहीं होता है तो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, जिसको बोलचाल की भाषा में इसको प्रेत योनि कहते हैं। इससे संकट कितना भी हो, दुख सुख डरो आग में, ये जो झूठी माया के, सुख हो दुख हो सभी में एक समान रखिए। आप ये सोचिए कि आपका प्राणेश्वर आपके साथ रहता है, फिर निराशावाद क्यों। निराशावाद नास्तिकता है, जो निराश होते हैं वही
जिनमें नास्तिकता की भावना होती है, जिसको लगता है कि मेरा प्रीतम मेरे अंदर रहता है, मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, मेरे और उसके बीच में कोई दूरी नहीं है, जो वह है मेरी आत्मा भी तो वह है। हाँ, अंतर इतना ही है कि जैसे एक हीरा कीचड़ में फंस जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, हमारी आत्मा ने ऐसे जीव को पकड़ लिया है, जो जीव पाप कर्म कर रहा है और उसके कारण मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है कि मैं वास्तव में हूं क्या। जिस दिन हमें अपने निज स्वरूप का बोध होगा, निज स्वरूप का साक्षात्कार होगा, अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार होगा, उस दिन हमें ये लगेगा कि नहीं, सारा परमधाम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, युगल स्वरूप मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं, न कभी हम अलग हुए न थे और न कभी होने वाले हैं। लेकिन जब तक ये विवेक दृष्टि नहीं आती, हम रोते हैं, राजी उनको माया में छोड़कर आप परम धाम में रह रहे हो, ये वाणी में कहीं नहीं लिखा है। यदि हम वाणी के प्रकाश में देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे और धनी के बीच में दूरी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, कोई भेद नहीं है। खेल बनाया क्यों गया, यह बताने के लिए कि सागर और लहर दो नहीं है। सागर का जल ही लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो अभी लहर उठ रही है वही सागर में विलीन होकर सागर बन रही है। लहर को कहने का यह अधिकार नहीं है कि मैं सागर से अलग हूं और मेरा कुछ जल अलग है। यही जब हम अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके राज्य को देखेंगे तो हमें बोध हो जाएगा कि नहीं, मेरी आत्मा में मेरा जो प्राणेश्वर रहता है उसमें और मेरे में भी कोई भेद नहीं है। यदि वो मेरा प्राणेश्वर है तो मैं भी उसकी प्राणेश्वरी हूं, मेरा बिना तो उसका भी अस्तित्व तो नहीं है। यदि उसके बिना हमारा अस्तित्व तो नहीं है तो हमारे बिना भी उसका अस्तित्व तो नहीं है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जब तक आप प्रेम के सिंहासन पर अपनी आत्मा को नहीं बैठाएंगे तब तक आपकी चितवनी कहां से लगेगी, दास भक्ति में चितवनी नहीं लगा करती। जब तक आपके अंदर संसारिक भक्ति भावना रहेगी, दास भावना रहेगी, तब तक कहीं ना कहीं अहम का बीज आप में बना रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैंने राज्य के लिए किया। आपका क्या है जो आपने किया है, क्या तन आपका है, क्या आपकी आत्मा आपने नीच की है? आत्मा भी जब उसी की है, सब कुछ उसी का है, तो फिर आप अपने सिर पर ब्रह्मांड का बोझ क्यों लेते हैं? मेरी मेरी करत दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड से ले, ये तो संसार के लोगों का काम है। आप परम धाम की आत्मा है तो यह बात याद रखिए, श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो वर्तत सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हर पल आपके साथ जो बीत रहा है उसको राज्य का एक प्रेम समझिए, उपहार समझिए और बिना किसी गिले शिकवे के राज्य के प्रेम में स्वयं को डुबोइए। संसार की कोई मन्नत मत मांगा कीजिए कि मैंने नारियल चढ़ा देना है, हमने पाठ रखवा देना है, राज्य हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे तो फिर और कर देंगे। ये घुसखोरी तो ऑफिसों में चला करती है, राज्य के दरबार में घुस नहीं दिया जाता, वहां तो केवल दिल का सौदा होता है। आप अपना दिल दे दीजिए, राज्य अपना दिल पहले दे चुके हैं। आप अपना दिल देंगे तो आपके हृदय में जो माया का पर्दा है उसको राज्य हटा देंगे, फिर परमधाम आपको दिखने लगेगा। और पलक झपकने में जो समय लगता है उससे भी कम समय में आप नख से सिख तक युगल स्वरूप को देखेंगे, परमधाम के 25 पक्षों में घूमेंगे। शरीर यहीं रहेगा लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मैं संसार में तो हूं ही नहीं, मैं तो परमधाम में। और यदि सुंदर साथ इसको अंगीकार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनकी आत्मा को बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि सागर श्रृंगार या रास से लेकर क्यामत नमा तक की वाणी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने देखा होगा अभी कई बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए समाज में, करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा जैसी मिलनी चाहिए समाज को मिल नहीं रही है। इसलिए सबका उत्तरदायित्व है कि ब्रह्म वाणी का प्रकाश चारों तरफ फैलाएं, खुद डूबे, आप देखो औरों को दिखाओ। आप राज्य को देखिए और सारे संसार के लिए भी दरवाजा खोल दीजिए, चाहे कोई किसी भी मत पंथ में रहता हो, प्रीतम पर ब्रह्म को अपने धाम हृदय में बसाए।